हेलो भाई, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज हमने ग्रीन सोल की एक चेयर मंगाई है, घोस्ट नाम है उसका। उसकी पूरी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और पूरा इक्विपमेंट लगाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। ये रहा हमारा बॉक्स, ग्रीन सोल ने भेजा है हमको। और ये देख लो, यहाँ पे भी उसका उनका नाम भी है। चलो अभी हम इसको जल्दी से अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है हमको। तो चलो अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। बहुत अच्छे से पैकिंग की है उन्होंने और अंदर क्या क्या मिलता है हमको देखते हैं। और ये अनबॉक्स हो चुका है और उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे पैकिंग भी कर दी है, फोम लगाए अच्छे से। और ये हमारे चेयर के सब पार्ट है और अभी हम इसको असेंबल करेंगे। तो चलो देखते हैं, अभी हमें एक एक पार्ट निकाल के असेंबल करेंगे। पहले तो इस बड़े बॉक्स को हम साइड में लगाते हैं। ओ भाई, बहुत हेवी है ये तो। ऐसी बहुत हम यहाँ पे रखते हैं, एक एक पार्ट निकलते हैं पहले, फिर हम असेंबल करते हैं ताकि हमको समझ में आएगा क्या क्या कहाँ पे असेंबल करने। और ये छोटे छोटे पिलो है, इसको भी हम यहाँ पे रखते हैं। और ये एक शीट है, हम इसको भी यहाँ पे रखते हैं ताकि हमको असेंबल करने में आसानी हो जाए। इसमें एक और फॉर्म दिया गया है, ये हैंड के लिए, इसको भी याद रखते हैं। दो होंगे ये शायद, ये दो है। तो बहुत अच्छे से पैकिंग की है उन्होंने। चलो, और अभी हमारा लास्ट में आ जाएगा ये व्हील, इसको भी पकड़ते यहाँ पे रखते हैं ताकि ये पहला है अपना इन करना है। और ये दो बॉक्स है, देखते हैं इसमें क्या है। अभी आप देखो, और इसमें सब नट बोल्ट है और इससे हम सब असेंबल कर सकते हैं। तो यही इक्विपमेंट है, तो चलो कर दे। और ये व्हील भी है इसमें, सब व्हील इसमें, देखते हैं। चलो हम लगाते हैं जल्दी से, इस बक्से में भी क्या है। और ये चेयर ऊपर नीचे करने का रेगुलर है। और ये भी बहुत हेवी है, क्वालिटी तो बहुत अच्छी लग रही है, सब इक्विपमेंट बहुत हेवी है। तो चलो लगाने के बाद हम बताते कैसे कैसे नहीं। तो चलो, तो गाइस इन्होंने एक हमको पर्ची दी है, वहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा है, यहाँ पे बारे में सब बताया चेयर के बारे में और पीछे इंस्ट्रक्शन दिया है। तो चलो अभी हम ये सब फॉलो करके असेंबल करते हैं, ठीक है। और उन्होंने साथ में ये हैंड ग्लोव्स भी दिए। तो चलो अभी उन्होंने दिए हैंड ग्लोव्स, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, हैंड ग्लोव्स पहन के सब फिटिंग करेंगे। चलो अभी हैंड ग्लोव्स तो पहना हूँ मैंने, अभी चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये व्हील है अपना, और क्वालिटी तो भाई, पैकिंग तो बहुत अच्छी की है, मुझे पसंद आया। और बहुत हेवी है ये भी, इनके सभी इक्विपमेंट बहुत हेवी है। देखा,
तो चलो यहाँ पे स्क्रू है सब, इससे हम लगाने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम व्हील निकलते, सबसे पहले व्हील बैठा दे उसको, फिर बाद में ऊपर का धीरे धीरे लगाएंगे। छोटे छोटे हमारे सारे व्हील लगा के हो चुके हैं, तो अभी हम उसके ऊपर वाले हिस्सा लगाएंगे। अभी मेरे को व्हील तो बैठ चुके हैं और बहुत अच्छे से मूव कर रही है, तो चलो इसके ऊपर अभी सब असाइनमेंट ऊपर के इक्विपमेंट लगाते हैं। अभी तो अभी हमको यहाँ पे लगाना ही है, तो चलो हम इसको अभी जल्दी से फिट करते हैं। तो हमने देखो हाइट 6 फुट है हमारे दोस्त की, तो उसके हाइट के हिसाब से भी हम कर सकते हैं उसको, और हाइट बढ़ा के भी देख लिया, और ये हाइट कम भी हो गई उसके पैर। और ये देखो पूरा हमने देखा, टेस्ट कर रहे हम, और लॉक करने के बाद आप आराम से यहाँ पे सो भी सकते हैं चेयर पे, और वापस से ऊपर भी चेयर ले सकते। और ये फुट रेस्ट पे हम आराम करके तो अपना काम भी कर सकते हैं, और अपने हिसाब से आगे पीछे भी ले सकते हैं। और ये देखो पूरा आराम से हम जे थोड़ा हम और थोड़ा ऊपर करके आराम से चिल मार के मूवी भी देख सकते हैं। तो हम धीरे धीरे अपना आपको पूरा ही रिव्यू दे दूंगा। मैंने कंप्यूटर पे मेरा 1-2 घंटा काम करके भी मैंने देखा, बहुत अच्छा फील हुआ मुझे, बहुत कंफर्टेबल ये चेयर, मुझे कोई थकान भी नहीं आई, और बड़े आराम से मैंने मेरा काम कर दिया, और बहुत अच्छा लगा मुझे इस चेयर को यूज़ करते हुए। और मैंने मूवी लगा के भी इस चेयर का पूरा इस्तेमाल किया, और पूरा थिएटर टाइप मैंने इसको पोजिशन में लेके बड़े आराम से मैंने मूवी देखा, बहुत कंफर्ट फील हुआ था, और मैंने पूरा एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा मुझे इस चेयर के बारे में। और ये चेयर बहुत अच्छी है, ग्रीन सोल कंपनी की घोस्ट, और इसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। बाय।